आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। सभी उपस्थित नेतागण, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, इस हार्दिक स्वागत के लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद। आप इस गर्मी में काफी समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं आपकी आभारी हूँ। गुजरात की इस धरती को, खासकर सौराष्ट्र, जिसका नाम हमेशा के लिए महात्मा गांधी जी के यादों से जुड़ा है, मैं इस महान धरती को प्रणाम करती हूँ। 169 वर्ष पहले जब आपकी मेरी धरती से जिसने अपने जीते जी अहिंसा, एकता और संवेदना के आदर्श का उजाला न सिर्फ अपने देश में बल्कि विश्व के कोने कोने में फैला दिया। आजादी की शुरुआत से इन आदर्शों को ही कांग्रेस पार्टी ने अपने आदर्श माने हैं। कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें गांधी जी जहाँ से चले थे वहाँ से तो बहुत खुशी की बात, जहाँ इसकी खुशी है वही ये दुख भी है कि हमारे रोगी को देश में ना कोई उन्नति दिखता है, ना प्रगति, ना प्रगति लेकिन सिर्फ बर्बादी और अंधकार ही अंधकार की बात करते हैं। उनके बड़ी बड़ी बातें लेकिन गुजरात उन्नति के लिए कांग्रेस ने जितना किया किसी ने नहीं किया। गुजरात आज जिस क्षेत्र में आगे है, उन्नति के लिए कांग्रेस ने जितना किया किसी ने नहीं किया। गुजरात आज जिस क्षेत्र में आगे है, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल जैसे तरह तरह के उद्योग, यह सब कांग्रेस के शासन में ही स्थापित हुए हैं। कुछ लोगों की आदत ही होती है हर उपलब्धि का कंधा अपने सिर पर लगाने की, वे लगाते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात के लोगों ने, सौराष्ट्र के लोगों ने किसानों, मजदूरों, शिल्पकारों, दस्तकारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों ने अपनी लगन और मेहनत से न केवल अपने राज्यों में बल्कि दुनिया भर में नाम कमाया है। गुजरात में विकास की बुनियाद किसने रखी है? कांग्रेस पार्टी ने रखी है। नर्मदा का पानी सौराष्ट्र और बाकी गुजरात में लाने की योजना किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई, नेहरू जी ने बनाई और गुजरात के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में इसे सरदार सरोवर योजना का नाम दिया गया।
किया है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यह महत्वपूर्ण योजना इसलिए किस लिए बनाई गई है? इसलिए कि लोगों को, खासकर हमारे किसान भाइयों को इसका फायदा मिले। लेकिन मुझे दुख है कि पिछले 10 साल में नर्मदा का पानी आज तक सौराष्ट्र पर नहीं पहुंचा। आज भी यहाँ के किसान पानी के लिए तरस रहे हैं, यहाँ आत्महत्याएं भी हुई है। मुझे ये भी मालूम है कि गुजरात के कुछ इलाकों में सूखे की वजह से फसलों का काफी नुकसान हुआ है, चारे की भी कमी है। मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार सर्वे करके जल्द से जल्द से केंद्र को भेजे, ताकि किसानों को समय से बीमा राशि मिल सके। तो किसान हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं। हमारी यूपीए सरकार ने किसानों की सिर्फ कर्ज माफी ही नहीं की, बल्कि उनके उत्पादन का एमएसपी खूब बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि कोई सोच भी नहीं सकता। बीज, खाद, सिंचाई और सस्ते दर पर बैंकों से कर्ज के क्षेत्र में भी बहुत से कदम उठाए हैं। अभी हाल में हम ही ने बाजार भाव पर कपास खरीदने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुझे यहाँ के मछुआरे भाई बहनों की समस्याओं का भी एहसास है और हमारी केंद्र सरकार उस पर भी जरूर ध्यान देगी। यूपीए की सरकार के जरिए आज भी यहाँ तरक्की के खूब काम हो रहे हैं। वे चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में या मूलभूत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के हो, यही नहीं, शायद आपसे ये बात जानबूझकर छुपाया जा रहा है कि यूपीए सरकार ने भाजपा की एनडीए सरकार से 50% ज्यादा फंड गुजरात के विकास के लिए दिए। कांग्रेस को हमेशा यही विश्वास रहा कि जब तक गांव और किसान की प्रगति उस रफ्तार से नहीं होती जिस रफ्तार से शहरों में हो रही है, हम भारत को सही माने में प्रगतिशील नहीं कह सकते। होता क्या है? होता यह है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनके पैदावार की सही कीमत उन्हें मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये कब संभव होगा? ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके। और यही है एफसीआई का मतलब। और इस पॉलिसी की एक खास महत्व यह है कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में एफसीआई लागू नहीं करना चाहते हैं तो वह इसके लिए पात्र नहीं, ये उनकी इच्छा पर है। तो फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि इस पर इतना हंगामा करने
और जनता को गुमराह करने के क्या वजह है, क्या जरूरत है, आप इसके बारे में जरा सा सोचिए। हम जब आम आदमी आम जनता के हित में देश के हित में कदम उठाते हैं तो हमारे ऊपर तरह तरह के हमले होते हैं, पथराव भी होते हैं, लेकिन हमने ना जी 24 तास एक पाउल पुढ़े।